केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के साथ भेदभाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेश पटेल ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ आम बजट में भेदभाव कर 2670 करोड़ रुपए कम आवंटित किए हैं, जिससे मध्य प्रदेश के विकास में रुकावट आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के 28 सांसदों ने संसद में मध्य प्रदेश के लिए बजट में आवाज तक नहीं उठाई और पंगू बनकर बैठे रहे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। अगर उसके बाद भी मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया जाता है तो हम भाजपा के सांसद और मंत्री का घेराव करेंगे। धरना प्रदर्शन को पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी, उदयगढ़ जनपद अध्यक्ष कमूरू अजनार, कार्यवाही अध्यक्ष आदि कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया।